ये देखिए मिल गए हमें हमारे नन्हे कान्हा। कहाँ? यहाँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में। अरे आपको नहीं पता कान्हा कभी भी कोई भी रूप ले लेते हैं, और ये जो नन्हे कायरव हैं ये हमारे कान्हा का ही तो रूप है। कोई बात नहीं, उन्हें ना कायरव के रूप में कार्तिक और नायरा से ढेर सारा प्यार ले लेने दो। दोनों इतने समय बाद एक साथ मिलके कायरव को इतना प्यार दे रहे हैं। बाप का प्यारा माँ का दुलारा, कायरव बेटा आंखों का तारा। कायरव का ऑपरेशन भले ही सक्सेसफुल हो गया हो लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, और इसीलिए कार्तिक और नायरा दोनों मिलकर रख रहे हैं कायरव का ख्याल, आपसी गिले शिकवे मिटाकर एक आदर्श माँ बाप की तरह। जो घर उसका अपना हुआ करता था, आज उसी घर में वो इतनी पराई है कि मतलब कोई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। भाई आपको देखने को मिलेगा कैसे कार्तिक और नायरा मिलके कायरव की देखभाल करते हैं। नायरा भी चाहती है कि कायरव अपने फादर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उसके साथ हंसे, बट द सेम टाइम शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ओवर हिम, शी इज़ वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग्स। सो यू सी दैट फेज ऑफ नायरा एज वेल, क्योंकि इससे पहले जब 5 साल उन्होंने अकेले पाला है तो नाउ शी शेयरिंग द किड। वहीं जब लाडले कायरव ने दवाई खाने से मना कर दिया तो नायरा ने कार्तिक को बंदर बना दिया। बेटे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कार्तिक कभी नाच कर दिखाते, कभी उसे अपने कंधे पर उठाते, और कभी दोनों फाइटिंग गेम से कायरव का दिल बहलाते। हाँ, बहुत ही क्यूट सा मोमेंट है जहाँ पे कायरव दवाई खाने से मना करते हैं और नायरा टेल्स कार्तिक टू डांस कि जिससे कायरव का माइंड डाइवर्ट हो और वो दवाई खाए। वो आपस में सिंपल नोक झोंक, एवरीडे जो नोक झोंक होती थी कार्तिक नायरा की, वो कहीं ना कहीं कायरव की वजह से शुरू हो गई है। फ्यू नाइस क्यूट मोमेंट्स। देखा कार्तिक अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन चलो इसी बहाने आप और नायरा करीब तो आए, वरना नायरा तो आपकी दुनिया को छोड़कर कब की चली गई थी। हमें तो लगता है कि कायरव की वजह से आप दोनों का रोमांस दर्शकों को जल्द ही देखने को मिलेगा, और आपकी हैप्पी फैमिली एक बार फिर आपके फैंस के दिलों पर राज करेगी। विशाल शर्मा, मुंबई, आज तक।